भगवान, ये सीरियल्स की शादी और शादियों में आने वाले ट्विस्ट। अब लीजिए, सीरियल शक्ति में बड़ी मुश्किल के बाद तो फिर से मिले थे सौम्या और हरमन। मिले क्या थे जी, सात फेरे ले लिए थे, लेकिन एकदम शादी के बाद फना हो गए हरमन। हाय, बेचारी सौम्या का तो सोचा होता, लेकिन जब कहानी लिखने वाले ने नहीं सोचा तो भाई सीरियल का हीरो क्या सोचेगा। वेदांत का पागलपन कुछ इस कदर बढ़ गया है कि उसे तो होश ही नहीं है कि वो आखिर कर क्या रहा है। सौम्या के साथ जबरन वो शादी करना चाहता है, जबकि उसे पता है कि हरमन से वो बेइंतहा मोहब्बत करती है। और तो और, मंडप में लेकर वो सौम्या को पहुंचा तो उधर पीछे पीछे हरमन ने भी एंट्री मारी, एकदम हीरो वाली। अब भी विलन को खत्म करना है तो हीरो वाली एंट्री तो बनती ही है ना। तरफ शादी, दूसरी ओर गुंडे। हीरो के पास कुछ ही मिनट है अपनी हीरोइन को बचाने के लिए, और लीजिए, गुंडों का सामना करने के बाद वो आ गया वेदांत के पास भी। हरमन और वेदांत के बीच हाथापाई हुई और उसके बाद देखो क्या हुआ, हरमन ने सौम्या की मांग भर दी। ये देखकर वेदांत का गुस्सा फूट पड़ा और उसने हरमन पर गोली चला दी। अब ये सीन पूरा क्या है आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ से सीधे हरमन खाई में गिरेगा और सीरियल में कुछ ऐसे हरमन की एग्जिट हो जाएगी, यानी कि खाई में गिरा लेकिन मरेगा नहीं। इस सीरियल में वो कभी भी वापस आ सकता है चेहरा बदलकर। एक लड़की के पीछे दो लड़के पड़ेंगे तो ये तो हो गई ना, और किसी की बीवी के बीच में, मतलब किसी शादीशुदा कपल के बीच में मैं आया था, तो ऑब्वियसली लड़ाई तो होनी थी और काफ़ी ग्रैंड लड़ाई हो रही है। उसके बाद अब वो वापस आएगा नहीं आएगा वो आगे पता चलेगा। कहीं वो होता है ना, जैसे फिल्मों में भी दिखाते हैं, क्लिफ से गिर तो गया पर इधर उधर अटक जाते हैं और फिर धीरे 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 जब हम सब घर चले आएंगे देन ही कम बैक, ही मेक अ रिटर्न। You never know, आगे स्टोरी क्या है वो तो किसी को आइडिया नहीं है अभी। अब सौम्या बेचारी इसी सदमे में रहेगी कि बेचारे मेरे हरमन जी कहाँ चले गए। हरमन जी! चिल्लाओ मत, कोई नहीं आएगा। अब सौम्या डरने की बात नहीं है क्योंकि सीरियल में लीप होगा और लीप के बाद आपको नए हरमन जी जरूर मिलेंगे। मुंबई से सोमा वैद्य अवस्थी और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।